जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी। परम पूजनीय बाबा साहब को नमन करते हुए और जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, पैरियर साहब, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, सबको नमन करते हुए, बिरसा मुंडा जी के बाद साहू जी महाराज, जितने भी महापुरुष हमारे हो सबको नमन करते हुए और मेरे आदर साहब काशीराम को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मैं आया था कल बाबा साहब की चैत्य भूमि के दर्शन करने। वो इतिहास है जहां बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, उनकी समाधि है। कल रात जिस गुंडागर्दी से चैत्य भूमि के दरवाजे से मुझे उठा के और मेरे साथियों को जेल भेजा गया, भीम आर्मी के पदाधिकारी जेल भेजेगा, मुझे और मेरी जो लोग मेरे साथ थे उनको उठा के जो है जिस तरह से गाड़ियों में घुमा के बदतमीजी करके जो है जिस तरह का ये चोट दे के जिस तरह से इन लोगों ने जो है यहाँ का माहौल बनाया, तो मुझे ये लगता है हम अम्बेडकरवादी तो देश में अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं, प्रेम भाईचारा का माहौल बनाना चाहते हैं, बुद्ध की बात करते हैं हम लोग, प्रबुद्ध भारत की बात करते हैं, प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ का माहौल खराब करना चाहती है। और वो सिर्फ वो माहौल सिर्फ इसलिए खराब करना चाहते हैं, उन्हें पता है कि जब मैं यहाँ के काम करूंगा, यहाँ के लोगों से बात करूंगा तो वो इन नकारा लोगों का साथ नहीं देंगे। मुझे कल यहाँ के पता लगा अंबेडकरवादियों की ताकत का, कि अंबेडकरवादियों से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग कितना डरते हैं। मुझे कड़वी बात है मगर कहनी पड़ेगी, हम भारत में, भारत के एक मजबूत हिस्से में, भारत की आर्थिक राजधानी में, लेकिन लग ऐसा रहा है जिस तरह से कल से व्यवहार हुआ है, जिस तरह से कल से बंद किया गया है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ऐसे देश में आऊंगा जहां परमानेंट इमरजेंसी रहती है। इमरजेंसी सुनी थी लेकिन देखने को मिली है कौन से कानून के तहत। मैंने कल भी पूछा कि मुझे बताएं कि कौन से कानून के तहत आप लोगों ने बंद किया हमें, कौन से कानून के तहत बाबा साहब के बच्चों को बाबा साहब की समाधि पर जाने से रोका जा रहा है, कौन से कानून के तहत परमिशन हुई भी परमिशन को कैंसिल किया जा रहा है। मेरे कल 3-4 प्रोग्राम थे और मैं बताऊंगा डिटेल में आप लोगों को कि मेरे प्रोग्राम थे कल, इन लोगों ने साजिशन कि मेरी बात यहाँ के लोगों तक ना पहुंचे, यहाँ के मीडिया को मैं अपनी बात ना कहूँ, मुझे रोका गया। कल मेरा 4 बजे प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रोग्राम था, वो इन्होंने नहीं होने दिया। फिर मुंबई मिरर के ऑफिस में, जो न्यूज चैनल है यहाँ उसके ऑफिस में, उनके पत्रकार बंधुओं से मुझे बात करनी थी, वो नहीं करने दी गई। TV9 में मुझे जाना था, वो नहीं करने दिया। NDTV, ये News18, लोकमत जो है, इनके यहाँ मुझे जाना था, वहाँ नहीं जाने। जितने मीडिया और चैनल से, कई मीडिया चैनल से मुझे मिलना था, ABP माझा से के यहाँ मुझे जाना था, इनको उन्होंने नहीं जाने दिया। मुझे अपने लोगों से बात करनी थी। आप देखिए कैसे घोषित इमरजेंसी है। मैं यहाँ आया जिनके भरोसे आया, वो बाबा साहब जिनकी भूमि पे आया, इन्होंने बाबा साहब के बच्चों से नहीं मुझे मिलने दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उठा के बंद कर दिया, उनके साथियों को उठा के बंद कर दिया, यहाँ के जो जिला प्रमुख है उनको उठा के बंद कर दिया। और मैंने खुद देखा खिड़की से कि जो लोग बाहर न्याय के लिए चला रहे थे कि चंद्रशेखर भाई को रिहा करो, चंद्रशेखर भाई को छोड़ो, हमें उनसे बात करनी है, उनको उठा के जानवरों की तरफ पीट पीट के उनको बंद कर रहे थे। यह घोषित इमरजेंसी लोगों ने लागू की है। और ये कौन सा कानून है भैया, कहाँ है ये? देखिए आज तक हम जिसको मानते आए ना, हमें लगता है देश इससे चलता है, भारत का संविधान। और मैं जब भी कोई बात आती हूँ मैं इसको आगे करता हूँ, बताता हूँ कि साहब इससे चलता है, लेकिन यहाँ नहीं चलता। मुझे पूरे देश के अम्बेडकरवादियों कहना पड़ रहा है कि यहाँ नहीं चलता इससे देश, ये प्रदेश, यहाँ बाबा साहब के संविधान को चूर चूर करके, बाबा साहब के संविधान को छिन भिन करके यहाँ मनुस्मृति का शासन चलता है भाई, इस महाराष्ट्र में। और ये वो धरती है जहाँ बाबा साहब ने काम किया, बाबा साहब की पावन भूमि पे, साहू जी महाराज की, फूले जी की पावन भूमि पे, अंबेडकरवाद के जन्म की पावन भूमि पे ये हो रहा है। और मगर मैं सल्यूट करता हूँ महाराष्ट्र के लोगों को और सल्यूट करता हूँ पूरी भीम आर्मी की टीम को कि वो पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, वो पुलिस की लाठी से नहीं डर रहे हैं, वो पुलिस के जेल जाने के उससे डर से नहीं डर रहे हैं, वो हौसला कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग, मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पे महाराष्ट्र के लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। और ये हम लोग रोड पे पता है कब आता आदमी,
जब सारी जब बिल्कुल पता लग जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब आदमी रोड पे आता है। तो ये रोड पे जानबूझ के माहौल खराब करने के लिए हमारे लोगों को ला रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा इनकी नीति को। इनकी नीति ये है कि ये इस देश में जो काला कानून मानुस्मृति उसको लागू करना चाहते हैं, उसका प्रमाण वो यहां दे रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं, मुझे एहसास करा रहे, भीम आर्मी को एहसास करा रहे हैं कि यहां संविधान नहीं चलता। लेकिन ये याद रहे, देश तो इसी से चलता है। तुमने अब कुछ दिन के लिए तानाशाही लागू की है, तुम्हारे प्राइम मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि चंद्रशेखर अगर होटल से कहीं जाएगा तो सीधा दिल्ली जाएगा। ये भ्रम आप निकाल दीजिए। मैं अपनी मांग भी आप लोगों को रख देता हूं, ये भी आप अच्छी तरह सुन लें। मुझे चैत्य भूमि जाने दिया जाए, यहां का माहौल ना खराब होने दे, जिस तरह का माहौल आप लोग जो हैं बना रहे, यहां का माहौल ना खराब होने दिया जाए। मेरे लोगों पे उत्पीड़न बंद किया जाए, जो लोग हमारे बंद किए गए उनको रिहा किया जाए। हमारे तुमने 400 से लेकर 600 कार्यकर्ता बंद किए, उन सब लोगों को रिहा किया जाए विलंब। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश में आक्रोश है। मेरे पास लाखों लोगों के मैसेज आ चुके हैं, पूरे देश में भीम आर्मी के पेज से मैसेज आ रहे हैं, पूरे देश में आक्रोश है। अगर अंबेडकर वादियों को रोकने का प्रयास किया जाए, उनको झुकाने का प्रयास होगा, इसके परिणाम जो है वो गंभीर होंगे। बाबा साहब के बच्चे सिद्धांतों समझौता नहीं करते। अब मैं एक कविता भी एक शायरी पढ़ूंगा, मेरे एक छोटे भाई ने भेजी है मुंबई से ही, और वो इसलिए पढ़ूंगा कि आपको पता लगना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुजनों के लिए अगर ईमानदार से कोई काम करता है तो उसको कितना प्रेम करते हैं लोग। मैं वो कविता पढ़ूंगा। अजीम है, छोटा भाई अजीम खान मुंबई से, उसने कविता भेजी है मुझे। उसने कहा भाई ये आपके लिए है, और आप सिद्धांतों समझौता नहीं करते, इसलिए सब लोग जो हैं आपसे डरे हुए हैं, डरती है सरकार आपसे। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, बस मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। अगर पल भर को भी मेरा जमीर बिक जाता, मेरा स्वाभिमान बिक जाता, तो यकीन मानिए मैं कब का वजीर या अमीर हो जाता। तो अजीम मेरे भाई, बाबा साहब के बच्चों ने बिकना नहीं सीखा है, बाबा साहब के बच्चों ने सिद्धांत समझौता करना नहीं सीखा है। जो डिमांड हमारी है उसमें पूना की हमारी रैली होने दी जाए, संवैधानिक अधिकार है हमारा, परमिशन ली गई है, और पूना की रैली के साथ भीमा कोरेगांव जहाँ बाबा साहब जाते थे, वो अपने नए से कहते कि वहां पहुंचे, बाबा साहब का बच्चा ये कहता है कि मुझे भीमा कोरेगांव जाने दिया जाए, माहौल ना खराब किया जाए। अगर आप ये करने जिस तरह से आप हमारे लोगों को बंद करने काम करें, ये गलत, ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका जवाब आपको फिर बाबा साहब ने जो वोट दिए वन वोट वन वैल्यू से दिया जाएगा। किसी मीडिया के बंधु का फोन है, उनके कुछ सवाल है, मैं यही लाइव पे जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास यही चाह रहा है। सोशल मीडिया का आज मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां बंद किया गया, लेकिन मैं अपनी बात जो है आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं। देश के करोड़ों अंबेडकर वादियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कल से इतनी तीखी प्रक्रिया दी कि लोगों को पता लगा कि इनको मुझे रात में छोड़ना पड़ा। ये क्या करते मेरे साथ मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी ताकत के आगे नहीं झुकना पड़ा। तो पूरी भीम आर्मी का, पूरे करोड़ों अंबेडकर वादियों का देश के, उन लोगों का भी मैं दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने हक के लिए आवाज उठाई। आप हालत देख सकते हैं कल से क्या हालत इन लोगों ने बनाई, आप समझ सकते हैं। लेकिन डर नहीं है, खौफ नहीं है। ये जेल भेजने की बात करते हैं, जेल तो क्रांतिकारियों का गहना है, एक ने 1000 बार जाएंगे जेल अगर हमारे लोगों पे उत्पीड़न होगा, 1000 बार जेल जाएंगे, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। हेलो जय भीम, अच्छा मैं चंद्रशेखर आजाद बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी ठीक, जी 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 जी, कैमरा सीधा करने को बोल रहे हैं, इसको घुमाइए थोड़ा सा, इसको उस एंगल पे घुमाइए। जी जी अच्छा, कैमरा सीधा, ये इसमें साफ नहीं, सही नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर दे बस, उल्टा हो गया है, इधर इस साइड में कीजिए। अच्छा ठीक ठीक, इस साइड में इसको खींचो।
अब देखिए, कीजिए नीचे कीजिए जी। जी थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे कीजिए, मैं साथ ही कह रहा हूं। ठीक, उनके हाथ लगा रहे हैं।